की बड़ी खबर, यूपी ने पूरे देश में बनाया है रिकॉर्ड, 50 मिलियन से अधिक लोगों को लगी दोनों डोज। लोगों की वैक्सीनेशन की दोनों डोज पूरी हुई, आबादी के एक तिहाई हिस्से को लगी दोनों डोज। यूपी ने पूरे देश में बनाया है रिकॉर्ड, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 50 मिलियन से अधिक लोगों को लगी है दोनों डोज। जहां लोगों की वैक्सीनेशन की दोनों डोज पूरी हुई है, आबादी के एक तिहाई हिस्से को लगी है दोनों डोज। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 50 मिलियन से अधिक लोगों को लगी है दोनों डोज, लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज पूरी हुई, आबादी के एक तिहाई हिस्से में लगी है दोनों डोज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश जाएंगे। अमित शाह सहारनपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक करेंगे। गृह मंत्री बूथ अध्यक्षों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। वेस्ट यूपी और ब्रज क्षेत्र के प्रभारी हैं गृह मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश आएंगे। अमित शाह सहारनपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। गृह मंत्री बूथ अध्यक्षों की बड़ी रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। वेस्ट यूपी और ब्रज क्षेत्र के प्रभारी हैं गृह मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक मामले में लिया गया है एक बड़ा एक्शन, जहां सचिव संजय उपाध्याय सस्पेंड किए गए। सीएम के निर्देश पर सचिव को किया गया है सस्पेंड। टेट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पेपर लीक मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां सचिव संजय उपाध्याय को सस्पेंड किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सचिव को सस्पेंड किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही है, टेट पेपर लीक होने का जो मामला था, उस पर किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, बीते दिनों टेट परीक्षा जो होनी थी, पूरे देश भर से, पूरे उत्तर प्रदेश से जो अभ्यर्थी थे वो अपने अपने सेंटरों पर पहुंचे थे, लेकिन एन परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा लीक की खबर सामने आई थी, और उसके बाद अचानक से इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ गया था विभाग की तरफ से। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के करीब 26 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिनसे बताया गया था कि उन लोगों की ही तरफ से इस पेपर को लीक किया गया है, और 50,000 रुपया में एक पेपर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया था अलग अलग लोगों को। ये पूरी जो जांच पड़ताल थी यूपी पुलिस की तरफ से वो निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद शासन और प्रशासन की तरफ से भी काफी सख्ती बरतने के बाद अब से थोड़ी देर पहले जो इस पूरे विभाग के सचिव है संजय उपाध्याय, उनको निलंबित किया गया है, क्योंकि उनके निलंबन पर कई सारी मांगे जो थी वो उठ रही थी, और संजय उपाध्याय निदेशक है बेसिक शिक्षा कार्यालय में, ये अटैच थे और उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। तो अभी की ये खबर निकल कर श्वेता सामने आई है कि टीईटी परीक्षा मामले में जो पेपर लीक हुआ था, उसमें संजय उपाध्याय को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद निलंबित कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। पेपर लीक मामले में लिया गया है एक बड़ा एक्शन, जहां सचिव संजय उपाध्याय को सस्पेंड किया गया है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जेल में बंद सांसद अतुल राय की मुश्किलें बढ़ी हैं। एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने जारी किया है वारंट। थाना लंका के साल 2020 के केस में वारंट जारी किया। नैनी जेल में बंद है सांसद अतुल राय। पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया है संज्ञान। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जेल में बंद सांसद अतुल राय की मुश्किलें और बढ़ी हैं, जहां एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने जारी किया है एक वारंट। थाना लंका के साल 2020 के केस वारंट जारी किया। नैनी जेल में बंद है सांसद अतुल राय। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है।
युवक पर युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगा है। जबरन घर परिवर्तन कर शादी करने का आरोप है। पहले से ही 3 शादियां कर चुका है आरोपी युवक। मौदहा कोतवाली क्षेत्र की है पीड़ित युवती। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक पर युवती को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने का आरोप है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का आरोप भी लगाया गया है। पहले से ही 3 शादियां कर चुका है आरोपी युवक। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के पीड़ित है युवती।